हेलो हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार सभी साथियों को। जेई मल्टीक्स टेक्नो चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, जो हाल ही में जेई इलेक्ट्रिकल का एग्ज़ाम हुआ है ग्रुप नंबर 2 का, उसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है? आंकड़ों के आधार पर हम आपको सटीक कट ऑफ बताने का प्रयास करेंगे। तो कितने नंबर वाले सेफ हैं और कितने वाले नहीं हैं, वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। मेरे प्यारे साथियों, ग्रुप नंबर 2 जे इलेक्ट्रिकल के अंदर टोटल पोस्ट जो हैं वो 517 हैं। DHBVN जो है उसके अंदर पोस्ट 261 हैं। UHBVN के अंदर कम है, वो है 197। जो टोटल कैंडिडेट हैं इसके अंदर रिपीट हुए हैं, आपको पता है ये पोस्ट वाइज जो है वो एग्ज़ाम लिया गया है। तो इसके अंदर 1050 के करीब जो है वो एडमिट कार्ड जारी किए गए थे कैंडिडेटों के, ठीक है, क्योंकि 4 गुना ग्रुप वाइज के हिसाब से नहीं बुलाए गए थे, पोस्ट वाइज थे, तो रिपीट हुए कैंडिडेट। तो लगभग आंकड़ों के अनुसार 900 से 920 बच्चों ने, कैंडिडेटों ने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कभी भी 100% एग्ज़ाम नहीं देते। तो यहाँ पर एक अनुमानित आंकड़ा है कि 900 से 920 कैंडिडेटों ने एग्ज़ाम दिया है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात जो कैंडिडेट एग्ज़ाम देकर आए हैं उनसे पूछी गई जब ये बता रहे हैं। ये वीडियो इतनी देर से यानी कि इतने दिनों के बाद बनाने का यही मकसद है कि डाटा एक्यूरेट थोड़ा पता लगे और सही आपको जानकारी दी जाए, ठीक है। तो जानकारी के अनुसार अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं DHBVN के अंदर जो 261 पोस्ट है साथियों, ठीक है। यहाँ पर जनरल की जो कट ऑफ है, मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ जिसके कितने क्वेश्चन तक जा सकती है। तो यहाँ पर जो जनरल की 63 क्वेश्चन से 67 क्वेश्चन के बीच में जिस साथी के सही हैं वो अपने आप को बिल्कुल सेफ समझे, अपना सिलेक्शन समझे। SC कैंडिडेट जो है वो 57 से लेकर 60 क्वेश्चन जिसके सही हैं वो अपने आप को सेफ समझे। BCA कैंडिडेट जो हैं 60 से 63 क्वेश्चन, BCB के 61 से 64 क्वेश्चन और EWS के 63 से 65 क्वेश्चन, ठीक है। ये एक साथियों सर्वे के आधार पर आप लोग जो एग्ज़ाम देकर आए हैं उनके आधार पर और पेपर के पैटर्न के हिसाब से, क्योंकि जब साथी तैयारी कर रहे थे अब वो ज्वाइन कर चुके हैं, लगभग वही साथी हैं इसके अंदर जो SAILM ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो तैयारी पर इफेक्ट पड़ा है। तैयारी वो इतनी 100% अपना नहीं दे पाए, इसलिए यहाँ कट ऑफ डाउन रहेगी, ठीक है। ये नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा जाने वाली है। तो यहाँ पर DHBVN की मैंने आपको कट ऑफ बता दी है, ठीक है, रिपीट सिस्टम हुआ है इसके कारण, अगर रिपीट सिस्टम नहीं होता तो कट ऑफ ज़्यादा जा सकती थी। लेकिन ये जो मैंने आपको अनुमानित आंकड़ा बताया है कट ऑफ का क्वेश्चन के अनुसार जिसके क्वेश्चन है वो अपने आप को बिल्कुल सेफ समझे और यही लगभग रहने वाली है, ठीक है साथियों। अब हम बात करेंगे UHBVN की पोस्ट की, कट ऑफ की। तो यहाँ पर साथियों UHBVN की पोस्ट कम है, 197 पोस्ट हैं, इसलिए यहाँ पर जनरल की थोड़ी ज़्यादा जाएगी मेरे हिसाब से। देखिए रिपीट तो हुए हैं, जो साथी DHBVN में लगना चाहते हैं वो UHBVN में भी हैं, ठीक है अभी। लेकिन फिर भी आपको पता कि जहाँ पोस्टें कम होती हैं मेरे प्यारे साथियों वहाँ कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाती है। जनरल की 66 से 70 रहेगी, SC की 59 से 61 क्वेश्चन, BCA की 61 से 63, BCB की 62 से 64 क्वेश्चन और EWS की 64 से 66 क्वेश्चन, ठीक है साथियों। तो ये मैंने आपको बताया है। और अब बात साथियों आती है कि जो बाकी बच गए ESM जनरल, ESM SC, ESM ex-servicemen, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा उनकी कट ऑफ जो है वो आपको लगभग 55 के आसपास क्वेश्चनों के ठीक मिलेगी, ठीक है, कम भी हो सकती है। और PWD की कोई बात नहीं करता, जो हैंडीकैप्स आती हैं उनकी भाई 52+ क्वेश्चन अगर जिसके सही हैं उसका सिलेक्शन होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं।
साथियों, ये एक सर्वे के आधार पर आपको कट ऑफ बताई है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी कट ऑफ बनाई, ठीक है, जिसके अंदर मेरी जो कट ऑफ हैं वो आप वीडियो देख सकते हैं, 90% सटीक रही हैं। देखिए, भगवान तो कोई है नहीं, और ना ही ये सिर्फ एक अनुमानित एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है जो आपको अनुमानित अनुमान देती है कि हम कितने पानी में हैं, हम सेफ हैं या नहीं हैं। देखिए साथियों, जिसके नंबर एग्ज़ाम में कम हैं, कम तो क्या, इसमें क्रीमी लेयर बच्चे थे, कैंडिडेट ही क्रीमी लेयर थे। इसमें ये नहीं था कि जो कम नंबर वाले थे या बिल्कुल मतलब भाई कमज़ोर थे कि भाई थोड़े नंबर वाले हमारे सिलेक्शन हो जाएगा, पोस्ट हैं कम, तो इसमें क्रीमी लेयर बच्चे थे। और लगभग अभी वो ड्यूटी कर रहे थे, तो इस हिसाब से उनकी तैयारियां और एग्ज़ाम, उनसे जब पूछा गया, और एग्ज़ाम पैटर्न आपको पता ही है, एग्ज़ाम के अंदर वही था सेम, तो 70% थ्योरी थी और 30% था, लेकिन इसमें आसान था थोड़ा आपकी बार, तो कुल मिला के कट ऑफ यही रहने की संभावनाएं हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको आने वाली खबर है वो पता लग जाएंगी। तो मैं प्रवीण सर भिवाणी आपका स्वागत करता हूँ। आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, और किसी कोई क्वारीज है तो वो रिस्पेक्टफुली तरीके से कमेंट बॉक्स में लिखें। तो इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।